मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, यहाँ कोई चाय की टपरी वाला नहीं है। छोड़ छोड़, अभी वैसे भी चाय पीने की इच्छा ही मर गई है। तो अब हम घर चलें? मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं हो रहा है। क्यों? घर जाऊंगा तो बापूजी और शॉर्ट टेप के डिलीवरी का पूछेंगे, तो मुझे उनको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। उसके साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जिंदगी में पहली बार धंधा बंद करना पड़े, ऐसी परिस्थिति आई है। नहीं 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 सेठ जी, आप ये सब बापूजी को मत बताना, वरना उनको बहुत चिंता होगी, उनको सदमा पहुंचेगा। इसीलिए तो घर जाना नहीं चाहता हूँ बागा। अगर आप घर नहीं जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं, जी करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं। कहाँ? हिमालय? जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू भोगीलाल को भूल तू, जल तू जलाल तू भोगीलाल को भूल तू, तू हाँ तू 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 भोगीलाल को भूल तू, भूल भोगीलाल को, भूल तू भोगीलाल को। दिमाग खराब हो गया तेरा? डांटिए डांटिए सेठ जी, मुझे और डांटिए। अरे क्या डांटिए, नट्टू काका ने यही संस्कार दिए तूता करने का। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, जल तू जलाल तू का मैजिक काम कर गया। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, जल तू जलाल तू का मैजिक काम कर गया। थैंक यू सेठ जी, आप वापस आ गए। कहाँ से वापस आ गया? जहाँ भी गए थे वहाँ से। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाना है, ऐसे कोई चला जाता है भला? सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए। बड़े सयाने कह के गए हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मुसीबत तो सब पे आती है, कोई निखरता है तो कोई बिखरता है। हमें निखरना है या बिखरना है ये तो हम पे निर्भर करता है। आप अपने दिमाग को आराम करने दीजिए और शांत रहिए, और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए रिक्शा ढूंढ के लाता हूं, फिर आप शांति से घर जाइए। बस आइए सेठ जी। सेठ जी मैं आऊं आपको छोड़ने? नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, तू भी घर जा, सुबह से भाग दौड़ कर रहा है। ठीक है, गुड नाइट सेठ जी। गुड नाइट। कहाँ जाना है साहब? हिमालय ले सकता है भाई, मन की शांति की बहुत जरूरत है दोस्त। साहब रिक्शा हिमालय तो नहीं जाएगा, लेकिन मुंबई में छोटा हिमालय नाम की एक जगह है, जहाँ पहाड़ है, जंगल है, गुफा है, और साहब शांति इतनी है कि उधर किसी का मर्डर हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है। तो साहब जाना कहाँ है? घर घर ले चल भाई। हाँ बोल बागा। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? नहीं वो आपकी रिक्शा अभी तक वहीं खड़ी है, निकली नहीं। हाँ नहीं नहीं चलो चलो भाई चलो। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे रिक्शा मिल गई? हाँ मुझे मिल गई, मैं बस बैठ ही रहा हूँ। ठीक है चल। जी चलो भाई मलाड भादरन नगर। घर तो जा रहा हूँ पर बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। बेचारे बापूजी आज कितने खुश थे कि इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया हमें, और अब मैं उनके सामने मायूस चेहरा लेके जाऊंगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं नहीं बापूजी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं मेहता सबको फिर से कह देता हूँ कि वो सबको कह दे कि ये बात अभी कोई गलती से भी बापूजी को ना बताए। तुम कौन हो? क्या साहब मेरे रिक्शे में बैठकर मुझे ही पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? ओह
मतलब जगत राम सपना था। हाँ बोल बगा। हाँ सेठ जी, आप घर पहुँच गए? हाँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा सुन। हाँ बोलिए। दुकान की चाबी है ना तेरे पास? हाँ मेरे पास ही है, क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं, संभाल कर रखना और जब मैं मांगू तो मुझे देना। सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई मैंने अभी एक सपना देखा और उस सपने में देखा कि ये तू क्या बोल रहा है सेठिया? हाँ बापूजी। फिर क्या गांव? आप लोग गांव जाके करोगे क्या खेती? मैं कल दुकान के बाहर बोर्ड लगा दूंगा। अभी आप अपनी दुकान के बारे में किसी से बात मत करना, मैं वो दुकान खरीदना चाहता हूँ। सालों से जमाई हुई दुकान कल से अभी मेरी नहीं होगी। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतर जाएगा और जगत राम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लग जाएगा। मैं 50 लाख का चेक साथ में लेकर आया हूँ, अब चेक ले लीजिए और दुकान की चाबी मुझे दे दीजिए। इनको दुकान की चाबी दे दे। नहीं नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। चाबी नहीं दूंगा। सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रात के सपने कभी सच नहीं होते। चलो ऐसा हो तो अच्छा है, अब शांति से सो जाइए। चल ठीक है रखता हूँ, गुड नाइट। हाँ भाई कितना हुआ? 550 साहब। 550? 550 कैसे हो गया? आप जहाँ से आप बैठे वहाँ से मेरे घर गए, वहाँ तक का 150 हुआ होगा, मेरे घर से यहाँ तक का 200 हुआ। हाँ तो 350 हुआ ना, 550 क्यों बोल रहे हो? साहब यहाँ तो हम कब के आ गए, जब आप जागे तब तक 200 और बढ़ गया, हो गया ना 550। अरे तक कब के आ गए तो मुझे जगाना चाहिए ना भाई। आपको जगाना चाहिए था लेकिन मैं जगा नहीं पाया। क्यों? साहब आप जब मेरे रिक्शा में बैठे थे तो आप एकदम परेशान थे और साहब आपने बोला था ना आपको शांति चाहिए। इधर जब मैं पहुंचा तो आपको देखा आप शांति से सो रहे थे, तो मैंने सोचा आपको मुश्किल से शांति मिली, आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, सोने देता हूँ। मैंने बबीता जी का विश्वास तोड़ा है, उनको सॉरी बोल देता हूँ। नहीं नहीं किस मुंह से सॉरी बोलूंगा, नहीं फिर भी सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरा सॉरी कबूल करे या ना करे। मुझे जेठा जी का बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ बबीता टेंशन तो है, मालूम नहीं जेठालाल कैसे मैनेज करेगा। अरे जेठालाल आप आ गए ऑफिस से? हाँ अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। आओ आओ वांगो वांगो बैठो बैठो। जेठा जी बैठे ना प्लीज। हम लोग अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। जेठा जी आप सच में महान हैं। महान? लगता है बबीता जी मुझे ताना मार रही है। आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सॉरी सॉरी बबीता जी, आपने मेरी गारंटी अय्यर भाई को दी लेकिन मैं शॉर्ट टेप की डिलीवरी नहीं कर पाया, लेकिन यकीन मानिए मैंने बहुत कोशिश की। दरअसल हुआ यूं के जड़लाल, हुआ यूं बोलने का जरूरत नहीं है, बबीता को मैंने सब बता दिया है, उसको सब डिटेल में मालूम है। इसीलिए तो मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ जेठा जी कि आप खुद अय्यर के ऑफिस में गए और आपने अय्यर को बचा लिया। आपकी वजह से अय्यर को अपने बॉस के सामने नीचा नहीं देखना पड़ा। करेक्ट। और अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना तो वो ये कभी नहीं करता और पता नहीं अय्यर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। अच्छा मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है? नाराज तो मैं आपसे हूँ। बबीता जी क्या जेठा जी आप भी, आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, आपने हमें बताया भी नहीं। किस मुंह से बताता बबीता जी, आपने मुझ पे इतना भरोसा किया और मैं नहीं। जनरल इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, सिचुएशन ही ऐसा हो गया, कोई क्या कर सकता है। जनरल वो तुम्हारा 50 लाख सच में अब नहीं आएगा? अभी तो ऐसा ही लग रहा है जेठा जी। आई मस्ट से
You're very strong, huh? जड़ालाल, तुम दिल का बहुत मजबूत है। मजबूत तो रहना ही पड़ेगा ना बबीता जी। और क्या कर सकते हैं? जीजा जी, काश हम आपकी कोई मदद कर सकते। नहीं नहीं बबीता जी, थैंक यू। आपने इतना बोल दिया वो ही बहुत है। चलो मैं चलूं, बापूजी राह देख रहे होंगे। जड़ालाल, चाचा जी को इसके बारे में मालूम है? नहीं, मुझे अभी यही टेंशन है बबीता जी, घर जाके पप्पू जी को इसके बारे में कैसे बताऊं? जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी, चलता हूं। ओके श्योर। अरे वाह, आ गया जेठिया। जी बापू जी। क्या हुआ जेठिया? नहीं अब कुछ नहीं बापू जी। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ है तो तेरा मुंह क्यों लटका हो? ओ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। अरे पापा, अभी हमारा सरप्राइज देखकर आपकी थकान छूम अंतर हो जाएगी। एक मिनट ना। डन डन। पापा, मैंने और दादाजी ने मिलकर आपके लिए खास बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह, खाकर तो देखिए, बहुत टेस्टी है। नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में। पापा एक तो खाइए, बहुत टेस्टी। अरे ना बोला ना बेटा। अभी कुछ मीठा खाने की इच्छा नहीं है बेटा, मैं बाद में खा लूंगा। अरे कहाँ जा रहा है जेठिया, खाना नहीं खाना? नहीं बापूजी। अरे क्या नहीं? अरे आज मैंने खास तेरे लिए तेरी फेवरेट दाल ढोकली बनाई है। हाँ हाँ, पर भूख नहीं है बापूजी, आप लोग खा लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। पापा को क्या हुआ है दादाजी? तो नहीं बेटा। क्या हुआ बापूजी? अरे तू बता क्या हुआ, मुझे किस बात की चिंता खाई जा रही? नहीं, कोई चिंता नहीं है बापूजी। झूठ मत बोल, सच सच बता क्या हुआ। पापा, अय्यर अंकल की 100 टाइप की डिलीवरी नहीं हो पाई है। हाँ और अच्छा, 100 टाइप की डिलीवरी नहीं हुई, उसकी तुझे इतनी चिंता? देख जेठिया, मुझसे मत छुपा, बता तुझे और किस बात की चिंता सता रही है? जेठिया, तुझे क्या लगता है, तू यहाँ चिंता के मारे पूरी रात झटता रहेगा और मैं वहां शांति से सो जाऊंगा? हाँ पापा, बताइए ना क्या बात है। जेठिया, अपने बाप को नहीं बताएगा? बता। बापूजी, मैं नहीं चाहता आप और टप्पू भी टेंशन में आ जाए। अरे भाई, तू नहीं बताएगा तो मुझे टेंशन आ जाएगा, बता ना। हाँ पापा। देख, उम्र की वजह से तेरे बाप का शरीर भले थोड़ा कमजोर हो गया हो, लेकिन दिल अभी भी मजबूत है। बता क्या हुआ। पप्पू जी, याद है आपने मुझे एक बार कहा था कि धंधे में एक बात का खास ध्यान रखना, कि चींटी जितने फायदे में हाथी जितना नुकसान ना हो जाए। हा? आज हाथी जितना नुकसान हो गया बापू जी। क्या नुकसान हो गया? वो मैंने आपको भोगीलाल की बात की थी ना। भोगीलाल? वो मणिलाल का बेटा? हाँ। क्या हुआ उसको? वो लॉकडाउन के पहले मैंने 50 लाख का माल दिया था। तो अभी वो क्या तुझसे कोरोना का डिस्काउंट मांग रहा है? नहीं नहीं, वो डिस्काउंट नहीं मांग रहा है। तो वो कह रहा है अभी पेमेंट नहीं दे पाएगा। पेमेंट नहीं दे पाएंगे मतलब? 50 लाख? पूरे 50 लाख का पेमेंट नहीं दे पाएगा? ए, मतलब वो हमारे 50 लाख हड़प गया? नहीं नहीं, वो हड़प नहीं गया बापूजी। तो वो कह रहा है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब दे देगा। और उसके पास कब आएंगे पैसे? वो तो उसको भी नहीं पता। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते, जो बोल दिया अभी पेमेंट नहीं दे पाऊंगा? अरे झूठ बोल रहे हो जेठिया,
अरे वो बहुत पैसे वाला है, उसका बड़ा होटल है, बिल्डिंग का काम काज है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे। नहीं बापूजी, मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने जब उसकी ऑफिस में जाके अपनी आंखों से देखा तब पता चला कि उसकी हालत वाकई में बहुत खराब है। कोरोना की वजह से उसके सारे धंधे तबाह हो गए, एक फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास। अरे कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा जाती है जेठिया। तू चल अभी के अभी मुझे उसके घर ले चल, मैं अभी उससे पैसे निकलवाता हूँ। चल बापूजी, मैं सब कर चुका हूँ। सब मतलब क्या कर चुका है तू? सब मतलब सबसे पहले तो बागा को भेजा उसकी ऑफिस में। तो प्लान ये है कि सबसे पहले तुम एक करोड़पति बिजनेसमैन बनके भोगीलाल के ऑफिस में जाओ। भोगीलाल के एक होटल, रॉयल होटल, उसे तुम ये लालच दोगे कि तुम्हें पूरी होटल चाहिए, रॉयल होटल। इस लालच में वो तुमसे मिल लेगा। आइए सर, आइए आइए। अरे आइए आइए बग्गा साहब, आइए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 50 पेटी। मैं कुछ समझा नहीं, कैसी पेटी? हम लोग यहाँ पे कोई होटल बुक करने नहीं है। तो किस लिए आए हो? भोगीलाल, मेरे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है। अरे लोग मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं। तुम्हें तो केवल 50 लाख की परेशानी है ना? मेरा साला मुझसे 10 करोड़ रुपए लेके गया, अब तक नहीं लौटाए। एक कंपनी के पार्टनर ने मुझे 2 करोड़ का चूना लगाया है। आ रहा हूँ पिताजी, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ। का मतलब भोगीलाल दिवालिया हो गए? हाँ बापू जी। तो फिर तू सच कह रहा है जेठिया, उसके पास जब पैसे आएंगे तब वो दे देगा। लेकिन जेठिया तू है ना, अभी वो सब भूल जा, है वो सब भूल जा। तू अभी सिर्फ अपने धंधे पे ध्यान दे, धंधे के बारे में सोच। धंधे के बारे में सोच के ज्यादा टेंशन हो रहा है बापू जी। क्यों, अभी क्या हुआ? ये भोगीलाल के 50 लाख ना आने से मैं रामसंग कंपनी को 40 लाख का पेमेंट नहीं दे पाया हूँ। हमारे सर पे 40 लाख रुपए का कर्जा है? हाँ बापूजी। और पेमेंट ना चुकाने की वजह से रामसंग कंपनी ने माल की डिलीवरी अटका दी है। अरे ऐसे कैसे माल की डिलीवरी अटका दी? तूने बोला नहीं कि तू इतने साल से उनसे माल ले रहा है? बोला बापूजी, लेकिन जो पुराना मैनेजर है उसकी बदली होगी और उसकी जगह पे कोई नई मैडम आई। वो बोल रही है कि कंपनी की पॉलिसी बदल गई, जब तक पुराना पेमेंट आप चुकाओगे नहीं, नए माल की डिलीवरी आपको मिलेगी नहीं। पापा, आजकल तो मार्केट में रामसंग कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। इसीलिए बेटा हम अपनी दुकान में ज्यादातर रामसंग कंपनी का माल ही रखते हैं। अभी वो लोग हमें माल देंगे नहीं तो हम धंधा कैसे करेंगे? एक तो मार्केट में इतनी हरीफ आई है, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से लोगों को ऑनलाइन खरीदी करने की आदत पड़ गई है। तो पापा आप किसी भी तरह रामसंग कंपनी का 40 लाख का पेमेंट चुका दीजिए ना। बेटा 40 लाख का पेमेंट है, एक तो लॉकडाउन की वजह से पिछले 6-7 महीने से 1 रुपये का धंधा हुआ नहीं है। फिर भी स्टाफ का पगार, गोडाउन का भाड़ा, वो लोन के हफ्ते, वो सब तो जा ही रहा था क्या है। और बेटा बिजनेस रोलिंग पे चलता है, ये भोगीलाल के अगर 50 लाख आ जाते हैं तो उसमें से मैं 40 लाख ये रामसंग कंपनी को दे देता। लेकिन ये 50 लाख अटक गए, उसमें अपना सब कुछ अटक गया। ठीक है जेठिया, लेकिन इसमें तू मायूस क्यों हो रहा है? तूने पैसे कमाए हैं, अपनी शाख नहीं। अरे आज भी मार्केट में घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की शाख तो बरकरार है ना। बराबर है, माना कि चलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के साक की वजह से कस्टमर हमारी दुकान में आए, लेकिन उनको जो माल चाहिए वो हमारी दुकान में ना हो तो वो कस्टमर तो दोबारा हमारी दुकान में आएंगे ही नहीं ना। तो बिना धंधे के साक का क्या करना बापूजी? साक का साक बना के खाए तो बेटे। आप तूने अभी क्या सोचा है, क्या करना है तुम्हें? मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि दुकान बेच देते हैं। है? क्या बोला तू? दुकान बेच देते हैं? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ बापूजी, दुकान बेच के जो भी कर्जा है वो उतार देते हैं और फिर गांव चले जाते हैं। और गांव जाके करेगा क्या तू खेती? हाँ क्या? हाँ सुबह 9 बजे से पहले तो तेरी आँख खुलती नहीं है।
अभी क्या वहां जाकर मुझसे खेती करवाएगा? कल फकर जो ठंडो दुकान बेच देते हैं ना, गांव चले जाते हैं ना। तू दुकान बेच देगा तो नटू बाघा मगन इन सब का क्या होगा, ये सोचा है तूने? वो लोग कहां जाएंगे? तो अभी आप ही बताइए बापूजी, क्या करूं? 40 लाख कहां से लाऊं? पापा हम बैंक से लोन नहीं ले सकते? नहीं ले सकते बेटा, पहले ही दो लोन हमारी चालू है। तो पापा दुकान बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है बेटा। अरे क्या जेठिया, और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। और क्या रास्ता है बापूजी? मैं, आप? हाँ, अरे जेठिया मेरे पास सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। सोने का टुकड़ा मतलब? अरे हमारी बचाव की जमीन। अरे जरा सोच, हमारी जमीन हाईवे टच है और अब तो वहाँ विकास भी बहुत हो गया है। अरे उसे खरीदने के लिए मुझे रोज फोन आते हैं। अरे उसे तो कोई आधी रात को भी खरीद लेगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, तू वो जमीन बेच दे है? और अपना उधार चुका दे। नहीं नहीं बापू जी, वो जमीन तो हमारा दादा परदादाओं के समय से है, उसे हम कैसे बेच सकते हैं? अरे क्यों नहीं बेच सकते बापूजी? वो जमीन हमारे पुरखों की निशानी है बापूजी। नहीं नहीं, वो जमीन हमें नहीं बेचनी है। हाँ 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 दादाजी, वो जमीन हमें नहीं बेचनी है। अरे देखो, माना कि उस जमीन से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन जेठे तू है ना जज्बाती होकर सोच रहा है, और जीवन में है ना कभी भी कोई भी निर्णय जज्बाती होकर नहीं लेना चाहिए। अभी वास्तविकता ये है कि वो जमीन वहां पे ऐसे ही पड़ी है तो हमारे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन आज अगर हम उस जमीन को बेच देते हैं तो हमारे काम आ सकती है। तो दादाजी वो जमीन बेच के जो पैसे आएंगे उससे पापा के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं बापूजी, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, वो जमीन हमारी धरोहर है बापूजी। जेठिया एक मिनट इधर। लेकिन बापूजी मैं क्या कहता हूँ, जमीन बेचनी क्यों है? फिर वही बात। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन बेचने की जगह अगर हम गिरवी रखे तो। अरे हाँ बराबर है, जमीन गिरवी रख सकते हैं तो फिर बेचने की जरूरत क्या है? हाँ नहीं बराबर है जेठिया, गिरवी रख दे, गिरवी रख दे। हाँ, मैं ना अभी गांव लाचा को फोन कर देता हूँ, वो बैंक का मैनेजर, वो उसे अच्छी तरह से जानता है, अपनी जमीन के सामने आसानी से लोन मिल जाएगी, तुझे गांव जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो नाथिया है ना, लोन के सारे पेपर यहाँ पे भिजवा देगा, तू साइन करके उसे वापस भिजवा देना, तुझे यहाँ घर बैठे ही सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं बापू जी, गाँव की बैंक से लोन नहीं लेते हैं। क्यों? वो खामखा पूरे गांव में बात फैल जाएगी और फिर हमारे पूरे समाज में लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। तो यहाँ कोई है तेरे ध्यान में? नहीं, वो तो मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे हम। अरे पापा ढूंढने की क्या जरूरत है, सुंदर मामा है ना। उसमें सुंदर मामा क्या करेंगे? अरे भूल गए पापा, कल जब सुंदर मामा आए थे तब उन्होंने बताया था ना कि उन्होंने जमीन बेचने और खरीदने का नया बिजनेस शुरू किया है। अरे माय डियर जीजा जी, मैंने जमीन ले बेच का काम शुरू किया है। हाँ बराबर है जीजा, सुंदर को बोल। बापू जी देख भाई, तू चाहता है ना कि बात घर में ही रहे है? तो सुंदर घर का ही है ना। हाँ पर मुझे तेरी चिंता में समझ सकता हूँ जेठिया, लेकिन तू चिंता मत कर, सुंदर का तेरे साथ अलग व्यवहार है, मेरे मतलब मैं बात करूंगा तो समझ जाएगा। ये लीजिए पापा। बताइए बताइए कैसे फोन किया? एक मिनट बापू जी, आप बात करेंगे के? नहीं तू बात करना, स्पीकर पे रख। हाँ सुंदर। हाँ बोलो बोलो। ये फोन अभी देख स्पीकर पे है और बापूजी और टप्पू भी सुन रहे हैं। नमस्ते बापूजी, बाय लागू। हाँ खुश रहे। हाय मामा। अरे हाय बाय डियर भांजा टप्पू ना। बोले बोले बाय डियर जीजा जी, क्या बात है? बोल जीजा। तो सुंदर देख, मेरा धंधा बचाने के लिए मुझे अभी तात्कालिक 40 लाख रुपए की जरूरत है। अरे पर माय डियर जीजा जी, ऐसा क्या हो गया कि आपको आपको 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई? वो एक पार्टी से मुझे 50 लाख का पेमेंट लेना था, तो ये लॉकडाउन की वजह से वो पार्टी उठ गई है।
तो उसकी वजह से मुझे रामशंग कंपनी को एक 40 लाख का पेमेंट देना था, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और रामशंग कंपनी ने बोला कि जब तक पेमेंट चुकाऊंगा नहीं, वो लोग मुझे नया माल देंगे नहीं। अच्छा। हाँ, तो बापूजी की ऐसी सलाह है कि हमारी जो गांव की जमीन है उसको अगर हम गिरवी रख के 40 लाख का बंदोबस्त कर ले तो क्या के सारे प्रॉब्लम का निवेड़ा आ जाए। अच्छा, तेरे पास ऐसी कोई पार्टी है जिसके पास हम ये जमीन गिरवी रख दे और वो ताबड़तोब हमें 40 लाख रुपए दे दे। बापूजी, जमीन कितने की होगी? 60-70 की तो होगी। अच्छा, और बचाव में ही है ना? हाँ, बचाव में ही है, एकदम हाईवे टच है और वहाँ तो अभी विकास भी बहुत हो गया है। वाह, क्या बात है बापूजी, मेरे पास एक बड़ी पार्टी तैयार है, वो पैसे लेके ही बैठी है, ताबड़तोब जमीन खरीद लेगी। नहीं नहीं सुंदर, जमीन हमें बेचनी नहीं है, गिरवी रखनी है। गिरवी रखनी है तो पार्टी ढूंढनी पड़ेगी, अगर बेचनी है तो पार्टी रेडी है। नहीं नहीं, जमीन बेचनी है, बेचनी है। बापूजी, जयंती दादा अभी बेच देते हैं फिर खरीद लेंगे। बेचनी है, बेचनी है सुंदर, तू पार्टी से बात कर। ठीक है, तो मैं अभी पार्टी से बात करके थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ सुंदर, वो पार्टी को अभी मेरा नाम मत बताना, ये सौदा क्या हम लोग जरा चुपचाप करना चाहते हैं, क्या वो गांव में पता चलेगा ना तो खामखा पंचायत होगी। अरे जीता जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं पार्टी को यही बोलूंगा कि ये जमीन मेरी है बस। हाँ बराबर बराबर। टप्पू, पापा जाग रहे हैं? हाँ हाँ जाग रहे हैं ना, आइए। पापा, सभी अंकल आपसे मिलने आए। अरे अरे, मैं तो इस बिल्डिंग मास्टर पोपट छोड़ी। अरे अरे, बस अब भी है। हाँ बस अब, बस अब, बस एकदम ब्लेस थी। हाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तुम सब लोग एक साथ यहाँ क्या हुआ? चाचा जी, हम सब जानने हैं कि क्या हुआ। हाँ, किसका क्या हुआ? अच्छा, वो रामसंग कंपनी के 40 लाख का। चाचा जी, तुहानू पता है? हाँ सूर्य अंकल, पापा ने हमें सब बता दिया है। ओ अच्छा अच्छा, अब चाचा जी क्या है कि थोड़ा टेंशन हो गया था, हमें चिंता हो रही थी जेठालाल की, तो लगा एक बार सब लोग मिलके आ जाते हैं। हाँ। अरे अच्छा, आ जाओ तू यहाँ बैठ जाना अब्दुल। एक्सक्यूज मी। अरे बैठने दे। जेठा भाई, वो पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन कोशिश जारी है। जेठा प्रा, आप लोग फिकर मत करो, पूरा गोकुलधाम तो आड़े नाल है। हाँ बिल्कुल, आपकी परेशानी हम सब की परेशानी। हाँ जेठा, हम सब एक परिवार है भाई। हाँ हाँ। पापा, सुंदर मामा का फोन है। 100 साल जिए गए। हाँ सुंदर बोल। अरे जीजा जी, आपका फोन नहीं लग रहा है। हाँ वो मेरा फोन जरा स्विच ऑफ हो गया है। जीजा जी, पार्टी चाहिए पार्टी। तो पार्टी तो तू ढूंढने वाला था ना? अरे जलसा वाली पार्टी चाहिए, जलसा वाली। मेरी पार्टी से बात हो गई है और वो बचाव वाली जमीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। क्या क्या बात कर रहा है सुंदर? एक मिनट, मैं फोन स्पीकर पर रखता हूँ, बापूजी को भी यह खुशखबरी सुना। हाँ बोल सुंदर। बापूजी, मेरी पार्टी से बात हो गई है और वो बचाव वाली जमीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 सुंदर, ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। अच्छा सुंदर, तूने पार्टी को मेरा नाम तो नहीं दिया ना? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने आपका नाम नहीं बताया, मैंने पार्टी को ऐसा बोला है कि मेरे पहचान वाले की जमीन है। लेकिन कल के कल वो पैसे दे देगा ना? हाँ बापूजी, कल के कल पैसा मिल जाए, इसलिए तो 1 करोड़ का सौदा 75 लाख में कर रहे हैं। अच्छा, ये पार्टी कहाँ की? अहमदाबाद की? अरे जीजा जी, पार्टी मुंबई में ही है। अगर आप कल के कल ही स्टैंप पेपर पे लिखित करार कर देते हो तो वो तुरंत आपके बैंक खाते में 50 लाख ट्रांसफर कर देगी और बाकी के 25 लाख रजिस्ट्रेशन के बाद 75 लाख पूरे। आप जमीन के सब कागजात तैयार रखिए, मैं कल सुबह 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। अरे वाह, तू अहमदाबाद से निकल गया? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, अभी मैं निकला नहीं हूँ, पर कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ूंगा और 8:30 बजे तक मुंबई पहुंच जाऊंगा। ठीक है ठीक है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।